वाराणसी जनपद के चोलापुर ब्लॉक के चोलापुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नियमित रूप से संचालन न होने के कारण बबीता सहित कुल 2 लाख लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे लेकर मैं पिछले 3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी। आज हमारे बाबू का हालत बहुत सीरियस है, हमने लेके गई एम्बुलेंस की, हमने बोली फोन कर ली जाए एम्बुलेंस को, आधी घंटा लगी, 1 घंटा लगी, 1.5 घंटा लगी, फिर एक पास्टर उन्होंने के गांव में हमने हीरो होंडा से ले गई अपने बाबू के अस्पताल में, डॉक्टर उनका हाथ जोड़े थे, डॉक्टर साहब हमारे बाबू को देख ला तो पता ना अभी रुको हम अभी आ रहे पानी टाइम लगा देना, तो वहाँ फिर हमने गली अस्पताल में उनके सुतली जा आईना एक सुई चिल्लात बाड़न रोवत बाड़न एक सुई लगा के फिर बैठोले बाड़न, तो बतावा कि सरकारी जब अम्मी मरी जाई तो फिर सरकारी अस्पताल रहले कौन फायदा, तो न रह के चाहिए। चोलापुर कौन सा अस्पताल है? कौन सा सरकारी सरकारी अस्पताल है? आप लोगों को वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलती है? कुछ नहीं। सारे लोग मिलके हम सब लोगों ने एक एप्लीकेशन तैयार किया, जिसे एप्लीकेशन लाकर अधीक्षक सर को दिया। एप्लीकेशन पाने के बाद उन्होंने कहा कि इस तरह की परेशानियां, मैं बहुत खुश हूं कि आप सारे लोगों ने हमारे हॉस्पिटल की परेशानियों को बताया। उसके बाद उन्होंने उस परेशानियों को देखा समझा, उसके बाद वहाँ पर बदलाव लाया। आप हमने के गांव में एलू, हमने का गांव का भी महिला आई नहीं, कुछ बात विचार भर फिर तोरे माध्यम से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हमने अस्पताल में आई, डॉक्टर से मिले, डॉक्टर देखना वीडियो कॉलिंग वो भी डर गई ना, अच्छा से दवाई मिले लगल, हमने बहुत खुश सही लाए से चाहा थे कि सही बना रहे हैं अस्पताल, ऐसे हम लोग आए फ्री में दवाई लेके जाएँ मरीज सही। अब पहले जैसी कोई समस्या तो नहीं है? पहले जैसी कोई समस्या नहीं है, अब तो सब सुधर गया, अब बदलाव हो गया है ना? अब बहुत बदलाव हो गया है। तो अब आप लोग खुश हैं? हम लोग बहुत खुश हैं। मैं तो बहुत समस्या सुनती थी नहीं मैम दाई, अब तो बहुत अच्छे से सुनती हैं, देखती हैं, देखभाल करती हैं, आपके मीटिंग करने से हम लोग आने से बहुत बहुत सुधार है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप खुश हैं? हाँ। दवा वा अब अच्छे से मिल रहा है ना? से मिला। इस वीडियो के माध्यम से जिस तरह यहाँ पे बदलाव हुआ है, वो आगे भी इसी तरह से बदलाव होता रहे, जिससे सारे गांव के परेशान लोग खुश हो पाए। मैं शबनम, वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।